बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द साइंस एंड टेल इन विच क्वाड्रेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए गए हैं और हमसे ये कहा गया है कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइन भी मालूम करें और फिर ये भी बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। एक है साइन 98 डिग्री, एक है कोसेकेंट 198 डिग्री और एक है साइन 460 डिग्री। सो इसके लिए आप पहले तो एक एक्स वाई प्लेन बना लें, फिर उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 और 90 के दरमियान होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है ये 90 और 180 के दरमियान होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 180 और 270 के दरमियान होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है ये 270 और 360 के दरमियान होते हैं। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करता है फ्रॉम एक्स पॉजिटिव एक्सिस तब, अच्छा तो अब साइन 98 डिग्री ये इसका साइन क्या है और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा उसी क्वाड्रेंट में साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी लाई करेंगे और इनके साइन को इन क्वाड्रेंट्स में किस तरह के होंगे तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, एस ए टी सी, यानी ए का मतलब है अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आते हैं 0 और 90 के माबेन उन सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। एस मीन्स साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल। सेकंड क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल आते हैं जो कि 90 और 180 के दरमियान आते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो नेगेटिव होंगे। टी मीन टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल। टी मीन टेंजेंट्स एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल्स आते हैं उनमें से टेंजेंट और कोटेंजेंट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ पर नेगेटिव होंगे। सी मीन कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल्स आते हैं उस एंगल के कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो नेगेटिव होंगे। सो जैसा कि हमें मालूम है कि 98 डिग्री एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल्स जो हैं ये 190 से ग्रेटर और 180 से लेसर होते हैं। सो 98 डिग्री को अगर आप देखें तो ये 90 से ग्रेटर है और 180 से लेसर है। सो ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह इस साइन 98 डिग्री जो है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 198 डिग्री की तरफ आते हैं। सो 198 डिग्री एंगल कहाँ पर है, 198 डिग्री एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर और 270 से लेसर होते हैं। सो 198 डिग्री जो है ये 180 से ग्रेटर और 270 से लेसर है। सो ये एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और इस तरह कोसेकेंट 198 डिग्री भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होंगे। सो यहाँ पर कोसेकेंट 198 डिग्री का साइन जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब हम साइन 460 डिग्री की जाने पड़ते हैं। सो पहले हम 460 डिग्री एंगल को फाइंड करना चाहते हैं कि 460 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। सो वन कंप्लीट रोटेशन के बाद जब एक रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन कंप्लीट रोटेशन तय करता है तो ये टोटल एंगल कवर करता है 360 डिग्री। अब अगर ये मजीद 90 डिग्री एंगल कवर करता है तो ये एंगल कवर करता है 360 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 450।
सो अगर ये 10 डिग्री एंगल मजीद कवर करे तो ये 460 डिग्री एंगल कवर करेगा। सो 10 डिग्री एंगल यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो इसका मतलब ये है कि 460 डिग्री एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सो इस तरह साइन 460 डिग्री ये ट्रिग्नोमेट्रिक इशू भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि हमें मालूम है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, सो इसी तरह साइन 460 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ -180 डिग्री। हमने -180 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड करने हैं। सो इसके लिए आप पहले एक एक्स वाई प्लेन बनाई, फिर इसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आप एक रे ली, इस रे का नाम होगा ओफी। पॉइंट ओ से अच्छा ओ पी रे, ये पॉइंट फी आप इस तरह ली जिसका कोऑर्डिनेट्स 10 आए। यानी पॉइंट फी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है, 10 है। आप ये पॉइंट फी इस तरह भी लिख सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 20 आए, या फिर ये पॉइंट पी आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जिसके कोऑर्डिनेट्स 30 आ जाएं। सो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास 1 के बराबर आया। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इस रे को, ओ पी रे को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे यहाँ तक कि ये -180 डिग्री एंगल बनाए। जब हम इसको क्लॉक वाइज रोटेशन में रोटेट करते हैं यहाँ तक कि ये -180 डिग्री एंगल बनाए, तब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये रे कोइंसाइड करेगा। यहाँ जो हमने पॉइंट पी लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 10, ये पॉइंट जो है ये यूनिट सर्कल में रोटेट करेगा और ये यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट -10 पे लाई करेगा, यानी इस पे कोइंसाइड करेगा। अब हम इस -180 डिग्री के लिए, जो -180 डिग्री बना हुआ है बन गया है, इसके लिए हम परपेंडिकुलर लेंगे, इसके लिए हम बेस लेंगे, इसके लिए हम हाइपोटेन्यूज लेंगे। सो आर की वैल्यू जो है, ये जो पॉइंट ओ और पॉइंट पी के दरमियान डिस्टेंस है, ये हमारे पास इसके लिए हाइपोटेन्यूज आ गया। इसके लिए बेस क्या होगा, सो एक्स की वैल्यू जो है इसके लिए बेस होगी और वाई की वैल्यू जो है ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, आर है, आर की वैल्यू क्या है, 1 है। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है ये हमारे पास बेस की वैल्यू है, सो ये -1 है। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू जो है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है जो है 0। अब हम ट्राइगोमेट्रिक रेशोस को फाइंड करना चाहते हैं। सो साइन -180 डिग्री हमारे पास साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, वाई बाय आर। सो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। सो 0/1 से क्या आता है, 0। साइन -180 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर आया। इस तरह कॉस -180 डिग्री, सो कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमारे पास बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास आर। सो अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू है -1 डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है, 1। -1/1 से क्या आता है, -1। अब हम टेंजेंट -180 डिग्री को पॉइंट करते हैं। सो टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के। यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास वाई और बेस है हमारे पास एक्स। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 0 और एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है 0 और एक्स की वैल्यू है -1। सो 0 डिवाइड बाय -1 से क्या आता है, 0। अब हम कोसेकेंट थीटा को पॉइंट करते हैं। सो कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन का रिसिप्रोकल है, सो अब हम इसका रिसिप्रोकल लेंगे, ये वाई बाई आर है। सो इसका रिसिप्रोकल लेने से ये आर बाई वाई आ जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0। सो 1/0 हमारे पास मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है। अच्छा, अब हम सीकेंट थीटा को मालूम करना चाहते हैं। सो सीकेंट थीटा जो है ये हमारे पास रिसिप्रोकल है कॉस के, कॉस हमारे पास बराबर है यहाँ पर एक्स बाई
आर, सो इसका रेसिप्रोकल लेने से ये आर बाई एक्स के बराबर आएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू है हमारे पास 1 और एक्स की वैल्यू है माइनस 1, सो 1 डिवाइड बाई माइनस 1 से माइनस 1 आएगा। अब हम कोटेंजेंट थीटा को फाइंड करना चाहते हैं, कोटेंजेंट माइनस 1 80 डिग्री को फाइंड करना चाहते हैं, सो कोटेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट है, सो टेंजेंट हमारे पास बराबर है, टेंजेंट हमारे पास बराबर है y by x के, सो इसका रेसिप्रोकल लेने से ये हमारे पास बराबर आ जाएगा x by y के, सो x की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 और y की वैल्यू है हमारे पास 0, सो माइनस 1 है x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है और y की वैल्यू है 0, सो माइनस 1 बाई 0 जो है हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक एंगल का सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट थीटा दिया गया है जो है 2 के बराबर, और हमें ये बताया गया है कि जिस एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया है वो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और अब आप इस के दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को फाइंड करें। सो सॉल्यूशन की जाने पड़ते हैं। सो जैसा कि हमें मालूम है सीकेंट थीटा जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस हमारे के पास किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की। सो यहाँ पर बेस जो है वो हम एक्स से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को आर से डिनोट करते हैं। अब एक्स बाय आर आ जाएगा, कॉस थीटा जो है एक्स बाय आर आ जाएगा। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले तो ये हमारे पास आर बाय एक्स के बराबर आ जाएगा, और आर बाय एक्स को हम क्या कहते हैं, सीकेंट थीटा। सो सीकेंट थीटा हमारे पास आर बाय एक्स के बराबर है। यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू है 2, सो इस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2/1। सो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है हमारे पास ये 2 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास r और x की वैल्यू आ गई है, सिर्फ और सिर्फ हमें y की वैल्यू चाहिए, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया, सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए। सो इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पैथागोरस थ्योरम में हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारे पास r से हम डिनोट करते हैं, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को x से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर को y से, सो y स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू आप पुट करें, सो इसे आएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपनी जगह पर, सो 2 स्क्वायर से 4 आता है इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से 1 आता है प्लस y स्क्वायर। सो इस पावर को यहाँ शिफ्ट करें तो ये पावर माइनस 1 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, सो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस इनटू स्क्वायर रूट 3। अब हम या तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या वाई की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। सो अब ये डिपेंड करता है एंगल पे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जैसा कि हमें गिवन दिया गया है कि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई जो है वो नेगेटिव होती है, सो वाई की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। सो साइन थीटा हमारे पास बराबर है वाई डिवाइड बाई आर के, विच इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है 2 है। अब हम कॉस थीटा हमारे पास बराबर है x डिवाइड बाई आर के, सो x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। अब टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है y डिवाइड बाई x के, सो y की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, कोसेकेंट थीटा हमारे पास बराबर है r बाई y के, सो r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 2 डिवाइड बाई y की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3। अब कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है x बाई y के, सो x की वैल्यू है यहाँ पर 1 और y की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3, सो कोटेंजेंट थीटा 1 डिवाइड बाई माइनस स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ गया। अच्छा, अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कि 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री, आप इसकी वैल्यू मालूम करें, टेंजेंट 30 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, आप इसकी वैल्यू मालूम करें। तो इसके लिए ये मैंने ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स बनाए हैं,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों एंगल्स 45 डिग्री है, सो इस 45 डिग्री एंगल का बेस परपेंडिकुलर 1, इस 45 डिग्री एंगल का बेस भी क्या आ गया, 1 आ गया। इस 45 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर भी 1 और इस 45 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर भी 1 आ गया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, सो 30 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और 30 डिग्री एंगल का बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। इसी तरह 60 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 3, इसका बेस 1 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 के बराबर आ गया। अब हम इस पहले पार्ट का वैल्यू मालूम करते हैं, जो है हमारे पास 2 इंटू साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री। जैसा कि हमें मालूम है कि साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के, सो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 45 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर है 1 और यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 2, सो साइन 45 डिग्री हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो कॉस 45 डिग्री, सो 45 डिग्री एंगल का बेस जो है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 2 है, सो कॉस 45 डिग्री ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर। अब हम 2 अपनी जगह पर साइन 45 डिग्री की जगह पर हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री की जगह पर पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से आएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है 2 स्क्वायर, सो 2 अपनी जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर जो है हमारे पास 2 के बराबर है, 2 बाई 2 से हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब हम अच्छा पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं, 30 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, सो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर है, सो 30 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 है और इसका बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, सो टेंजेंट 30 डिग्री 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ गया। अब टेंजेंट 60 डिग्री है तो टेंजेंट 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3 और इसका बेस है 1, सो टेंजेंट थीटा 60 डिग्री जो है टेंजेंट 60 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1 के बराबर आ जाएगी। अब टेंजेंट 45 डिग्री, सो टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो 45 डिग्री एंगल का परपेंडिकुलर भी 1 है और इसका बेस भी 1 है, सो ये 1 डिवाइड बाय 1, सो 1 डिवाइड बाय 1 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 के मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1 के प्लस अपनी जगह पर, और टेंजेंट 45 डिग्री जो है ये हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पर कटिंग करेंगे सो इससे हमारे पास 1 आएगा 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 से क्या आता है 2 आता है, सो टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 के जाने पड़ते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में कि एक एंगल है जिसका साइन भी पॉजिटिव है और टेंजेंट भी पॉजिटिव है, और पांचवें पार्ट में हमें ये दिया गया है कि एक एंगल है जिसका टेंजेंट नेगेटिव है और सीकेंट क्या है पॉजिटिव है, आप ये लोग ये बताएं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको आसान सा फार्मूला बताया है, एस ए टी सी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एल पॉजिटिव अल्ट्रिगनोमेट्रिक एक्सिस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इस एंगल का साइन भी पॉजिटिव है और टेंजेंट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा अब हम पार्ट नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 में है कि एक एंगल है जिसका टेंजेंट नेगेटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट नेगेटिव है सो टेंजेंट यहाँ पर भी नेगेटिव है और टेंजेंट यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव है यहाँ पर भी टेंजेंट क्या है पॉजिटिव है, टेंजेंट यहाँ पर भी नेगेटिव है टेंजेंट यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब हमने देखना है कि सीकेंट सीकेंट जो है वो पॉजिटिव है, सो सीकेंट किस का रेसिप्रोकल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कॉस और सीकेंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सो सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव है और टेंजेंट यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, सो इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आपको समझ आई।